नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है चंद्रशेखर रावण को लेकर के और अखिलेश यादव को लेकर के। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक तरफ टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो चुका है फिर से एक बार। और वहीं पर जहां पर आपने देखा होगा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार छोड़कर चले जाते हैं और बीजेपी के साथ जब सरकार बना लेते हैं, तो अब फिर ऐसा लगने लगा है कि कब बीजेपी को छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि उनका वादा था, बीजेपी ने वादा किया था कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ में करवाने का, लेकिन वही बात लालू से उन्होंने कहा, लालू यादव ने मना कर दिया, क्योंकि 1.5 साल का कार्यकाल कोई भी विधायक छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दोबारा पता नहीं विधायक की जीते की हारे, कोई भरोसा नहीं होता। जयंत चौधरी को आपने देखा, जो चंद्रशेखर रावण के खासम खास दोस्त, जो कहा करते थे मैं कोई चमन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, वो बीजेपी के साथ जाने का ऐलान तो कर दिए, लेकिन जब से उन्होंने ऐलान किया है तब से उनके ऊपर मुसीबत फाट पड़ी है। क्योंकि जब से ऐलान किया है उन्होंने, तब से उन्होंने ये कहा है कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, किस मुंह से मना करें, हम किस मुंह से ना करें। तब से आपने देखा होगा बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता उनको स्वागत के लिए नहीं बुला रहा है। कब शामिल होंगे, उसी बीच में किसान आंदोलन भी आ चुका है। अब दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं उनकी, क्योंकि एक तरफ 7 सीटें मिल रही थी और दूसरी तरफ 2 सीटें, अगर मान लीजिए जाते भी हैं तो 2 सीटें मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण, 1 सीट मिलेगी, और कुछ लोग समर्थकों का इनके कहना है 1 सीट क्यों, 10 सीट दें। देखिए भाई, एकदम साफ साफ बात है, मैं सीट नहीं दे रहा हूं, सीट पार्टियां डिसाइड करती हैं। चंद्रशेखर रावण के पास वास्तव में संगठन हर जिले में पहुंच चुका है, ब्लॉक लेवल पर पहुंच चुका है, ब्लॉक लेवल पर हर जिले में लगभग, वो आपको हो सकता है दिखाई ना देता हो लेकिन हर जगह पहुंच चुका है, हमें इतना मालूम है। चंद्रशेखर रावण के पास अभी ना तो कोई एमपी है, ना तो कोई एमएलए है, ना तो कोई राज्यसभा में है, ना तो कोई विधान परिषद में है। तो चंद्रशेखर रावण मजबूत नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मायावती जब तक है तब तक चंद्रशेखर रावण की थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है कि जो दलित वर्ग है वो मायावती को बड़ा चेहरा मानता है, एकदम साफ बात है। लेकिन मायावती का जो रवैया है इस समय, जैसे इंडिया गठबंधन में ना आना, 2022 के चुनाव में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का सपोर्ट करना, क्योंकि प्रत्याशी ऐसे ऐसे उन्होंने उतारे ताकि सपा हार जाए बीजेपी जीत जाए, उनकी पार्टी है प्रत्याशी चाहे जिसको उतारे। 2024 के चुनाव में बार बार कह रही हैं हम अकेले लड़ेंगे, जहां पर कांग्रेस चाह रही है, समाजवादी भी पार्टी भी थोड़ा एक बार कह रही थी हम नहीं लेंगे, लेकिन एक बार फिर पीछे हटे अपने बयानों से। तो बात करते हैं उनकी भरपाई करने के लिए चंद्रशेखर रावण को 1 सीट दी जाएगी, पूरे भारत में प्रचार करेंगे। प्रचार करने के अलावा जो सीट मिलेगी उस सीट का समीकरण मैं आपको बता देता हूं। पहली बार अब की बार लोकसभा का चुनाव इनकी पार्टी लड़ने जा रही है, इनको जो सीट मिलने जा रही है नगीना, और उसका समीकरण आपको मैं दिखाता हूं कैसा समीकरण रहेगा। जो नए चेहरे नगीना लोकसभा 2024, ध्यान दीजिएगा, इस सीट पर चंद्रशेखर रावण लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगीना लोकसभा सीट। तो आप समझ सकते हैं नगीना लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड की सीट है, पश्चिमी यूपी की सीट है। तो नगीना, यहां से चंद्रशेखर रावण प्रचार करना शुरू कर दिया है इन्होंने। वर्तमान में यहां पर बसपा के सांसद हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 विधानसभा सीटें आती हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी इनका समर्थन करेगी। तो पहले विधानसभा सीटों का समीकरण थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि विधायकी का चुनाव लोकसभा का चुनाव लगभग वही चुनाव होता है। आप विधायकी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लोकसभा का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 50% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम आबादी है, 21% से ज्यादा एससी वोटर हैं, दलित वोटर हैं। 21 कितना हो गया, 71% वोट है यहां पर, आप समझ सकते हैं यहां पर 71% वोट है। तो यहां पर जो विधानसभा सीटें आती हैं, नजीबाबाद, नगीना धाम,
नहटौर नूरपुर, समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 पांच सीटें आती हैं। 2017 में 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 सपा ने जीती थी। नूरपुर 2018 में उपचुनाव हुआ, ये सीट सपा के पाले में चली गई। 22 में चुनाव जो हुआ है, समझिएगा, नजीबाबाद विधानसभा सीट की बात करें, सपा तस्लीम अहमद विधायक हैं, भाजपा के भारतेंदु कुंवर को हरा दिया था। नगीना की बात करें तो वर्तमान जो विधायक हैं मनोज कुमार पारस सपा से चुनाव लड़े थे, उसके बाद मनोज ने भाजपा के यशवंत को हराया था। धामपुर की बात करें तो ये सीट भाजपा के कब्जे में है, अशोक कुमार राणा वर्तमान विधायक हैं। सपा के नईमुल हसन को इन्होंने हराया था। नरहोट की बात करें, भाजपा के ओम कुमार ने रालोद के मुंशी राम को हराया था। नूरपुर की बात करें तो सपा यहाँ पर चुनाव जीती है। समझ सकते हैं, सपा के पास 3 विधायक हैं यहाँ पर, इस सीट पे जो भी विधायक हैं इसमें 3 विधायक हैं सपा के पास, 2 भाजपा के पास। इतनी मजबूत है सपा, आप इतना इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव हुआ है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप 2014 का गणित देख लीजिए, यहाँ पर भाजपा जीती थी, 367,825 वोट मिले थे, जबकि सपा के यशवीर सिंह को 275,435 वोट मिले थे और बसपा को 245,000 वोट मिले थे, गिरीश चंद्र लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता था 2014 में। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में बसपा के कब्जे में यह सीट थी। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर 2024 में क्या होने वाला है, इसके बारे में आप खुद जान सकते हैं। चंद्रशेखर रावण वे नेता हैं जो वास्तव में युवाओं में अच्छी पैठ रखते हैं, जो युवा हैं, क्योंकि मायावती जी के बाद इनके बारे में बुजुर्ग थोड़ा कम जानते हैं, युवा ज़्यादा जानते हैं। युवाओं के पास मोबाइल है, तमाम मुद्दे जो भी होते हैं, मायावती जी ट्वीट नहीं करती, कभी कभी ट्वीट करती, हो सकता है आप मायावती के समर्थक हो तो आपको बुरा भी लगेगा। मायावती लड़ती हुई दिखाई देंगी तो लोग इनके साथ भी आएंगे, लेकिन मायावती इस समय लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, आप माने या ना माने। और यहाँ पर नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर रावण लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सपा का समर्थन, बसपा भी लड़ेगी यहाँ पर, और भाजपा यहाँ पर चुनाव हारेगी। आप देख लीजिएगा, चाहे आप हमारी भविष्यवाणी कर मान लीजिए, चाहे आप जो भी मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दिए दिया मैंने, अब मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, इस सीट पर चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है 2024 में। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक वोटर महत्वपूर्ण है। तो चंद्रशेखर रावण एक बार संसद में जाएंगे तो कम से कम दलितों की आवाज़ बनेगी, कम से कम। हम इनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इतना ही, गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है, ऐलान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद।